हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लियंडर डोमिनिक और आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से होंडा एक्टिवा का कार्बोरेटर को साफ करेंगे। लियंडर डायनामिक गैराज में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरा वीडियो को लाइक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तीन स्क्रू को अनस्क्रू करने के बाद हमको ये एक्टिवा का कवर ओपन कर सकता है, इससे हमको कार्बोरेटर देख सकता है। कार्बोरेटर एक्टिवा से निकालना। इस कार्बोरेटर को एक्टिवा से निकालने के लिए पहले हम ये दो स्क्रू को खोल करेंगे। उसके बाद ये क्लैंप का स्क्रू को लूज करेंगे। इस कार्बोरेटर जोड़े हुए सभी ट्यूब्स और इलेक्ट्रिकल लाइन को हम खोलकर कार्बोरेटर को बाहर निकालेंगे। कार्बोरेटर का डिसमेंटल, हर एक कंपोनेंट्स को ये स्क्रू खोलने के बाद कैप को खोलेंगे और इसके बाद हर एक कंपोनेंट्स को बाहर निकालेंगे और हम इसे डीजल से अच्छी तरह से साफ करेंगे। कार्बोरेटर का साफ होने के बाद हम कार्बोरेटर को असेंबल। पहले हम प्राइमरी जेट नोजल को फिक्स करेंगे और उसके बाद पायलट जेट नोजल तीसरा है। हम एक फ्लोट को लगाएंगे, मगर फ्लोट को लगाने से पहले फ्लोट नीडल नोजल पर रखेंगे।
हिंज नीडल के तरफ से हम फ्लोट को प्लेस करेंगे। एक बार कैप को बंद करने से पहले हम फ्लोट वर्किंग हो रहा है कि नहीं चेकिंग करेंगे। अगर फ्लोट वर्किंग हो रहा है तो हम कार्बोरेटर का कैप को क्लोज करेंगे और उसके बाद ड्रेन प्लग को भी स्क्रू करेंगे। इसके बाद एयर फ्यूल रेशियो हम पूरी तरह से अंदर लगाएंगे। इसे लगाने से हमारा इंजन आरपीएम जो है वो मैक्सिमम तक जाएंगे। एक बार लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके हम ट्यूनिंग करेंगे। स्टेप 6 आता है कार्बोरेटर का प्लेसिंग गाड़ी में। पहले हम फ्यूल लाइन को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन केबल। तीसरा है हम कार्बोरेटर को इनलेट नोजल पे कनेक्ट करेंगे। इसके बीच में हम गैसकेट भी लगाएंगे। और फोर्थ में आएंगे चोक लाइन को कनेक्ट करना। और इसमें से ध्यान से देखने का, इसमें दो कटिंग आ रहे हैं और जो लंबा वाला कटिंग है वो इस साइड में आएंगे। कैप को स्क्रू करो और ये हो गया आपका चोक का कनेक्शन। बाकी क्लैंप को टाइट करेंगे और वगैरह होने के बाद एयर फ्यूल रेशियो को नोसल को ट्यून करेंगे। ताकि हमारा इंजन आरपीएम आएगा 1000 आरपीएम।